आरसी नेटवर्कचे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी नवीन यूट्यूब चॅनल सिटी चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट. मनोरंजनाचे एकच पॅनल आरआरसी समूहाचे सिटी चॅनल. हिंगोली जिले से रिसोड होते हुए बुलढाणा जिले की ओर जा रहे एक वाहन को रिसोड पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ा. उसमें से 3,45,00,000 रुपयों का गांजा और 20,00,000 रुपये का वाहन, इस प्रकार कुल 3,65,00,000 रुपयों का माल जब्त किया गया. हिंगोली जिले से रिसोड होते हुए बुलढाणा जिले की ओर एक वाहन को रिसोड पुलिस ने जाल बिछाकर 3,45,00,000 रुपये मूल्य का गांजा और 20,00,000 रुपये का वाहन, इस प्रकार कुल 3,65,00,000 रुपये मूल्य का माल जब्त किया. इस मामले में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिंगोली से बुलढाणा की ओर गांजा ले जाए जाने की जानकारी रिसोड पुलिस को मिली थी, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के आदेश पर रिसोड के थानेदार सारंग नवलकार ने रिसोड हिंगोली मार्ग पर जाल बिछाया और सामने से आने वाले एक आयशर वाहन को रोककर जांच की. जांच में पता चला कि वाहन में 11 क्विंटल 50 किलो गांजा भरा हुआ है, जिसका मूल्य वाहन समेत 3,65,00,000 रुपये है. इस मामले में पुलिस ने बुलढाणा जिला निवासी गोटीराम साबले, सिद्धार्थ गवांदे, प्रवीण चौहान, संदीप चौहान नामक चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया. इन सभी आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत रिसोड पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है. गांजा तस्कर आयसर वाहन में मुर्गियों के खाने का सामान ले जा रहे थे, उसी के आड़ में यह तस्करी करते हुए पकड़े गए. गांजा तस्करी की यह कार्रवाई वाशिम जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. इस कार्रवाई की जानकारी वाशिम के पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए दी. हमारे अधिकारियों के पास गोपनीय माहिती थी कि किसी ट्रक में गांजे की अवैध तस्करी हो रही है. उसी माहिती के आधार पर हिंगोली रिसोड रोड पर एक आयशर ट्रक को अड़ाया गया. उसकी चौकसी करते समय ऊपर में कुक्कुट पालन का कुछ खाद्य पदार्थ देखने में आया. उसको और सखोल चौकसी किया गया तो उसके भीतर गांजे की पोती थी. उनकी काउंटिंग करने पर लगभग 56 पोती सामने आया, जिसका टोटल वजन 1,850 किलो है और मार्केट में 3.5 कोटी कीमत है. इसके बारे में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है एंड आगे की तपास रिसोड पुलिस स्टेशन के अधिकारी श्री नवलकर कर रहे हैं. इसमें ये गांजा किधर से आया और कहाँ ले जाया जा रहा था, इसके बारे में संपूर्ण चौकसी की जाएगी.